हेलो माय फ्रेंड्स, सूरज दिस साइड, कैसे आप सब? सो माय फ्रेंड्स, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इस बुक के बारे में हमने पिछली वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन की चर्चा की थी। मैं जानता हूँ कई लोगों को पूरी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लेकिन बुक की नॉलेज उनको चाहिए होती है। इसलिए उस बुक की नॉलेज देने के लिए मैंने एक नए तरीके का सहारा लिया। उस तरीके को आप भी जानते होंगे शायद, पॉडकास्टिंग। अब उस बुक की नॉलेज को जो हर किसी के लिए फॉरएवर लाइफ में काम आने वाली है, हम उस पॉडकास्टिंग के थ्रू सुनेंगे, एपिसोड के थ्रू सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला एपिसोड 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, आप उसको इमेजिन कीजिएगा, आप उसे फील कीजिएगा, लिटरली आप उसे बहुत इन्जॉय करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब बंसाई, एक व्यक्ति बंसाई जो चैरियट मेकिंग का काम करता था। चैरियट एक प्रकार का व्हीकल होता है जो पुराने समय में यूज़ होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके का। अपनी लाइफ में खूब स्ट्रगल करता था वो। स्ट्रगल करने के बाद भी लेकिन जो डिज़ायर रिजल्ट्स वो चाहता था अपनी लाइफ से और अपने आप से, वो उसे नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी कारण वो अपने फ्रेंड्स कोबी के पास गया। उसने कोबी को अपनी सिचुएशन सुनाई और कोबी ने रिप्लाई करा कि ब्रदर, इस सिचुएशन में या तो अपना काम चेंज कर दो या आप अपने काम करने के तरीके को चेंज कर दो। तो इस बात को सुनकर बंसाई ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद फुल एफर्ट से, नए तरीके से, नए आइडियाज से अपने काम को नए तरीके से स्टार्ट करा। कुछ समय उस काम को करने के बाद वह दोबारा कोबी के पास गया और कोबी से उसने कहा, ब्रदर, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए, नए आइडियाज़ लगाए, नए तरीक़ों से काम करा, लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट जो मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल पा रहे। मैं चाह रहा था पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना, द मैन हु डिज़ायर्ड गोल्ड, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पा रहे। तब कोबी ने रिप्लाई करा कि ब्रदर, आपकी सिचुएशन सोचने वाली है, कंसोलिडेट करने वाली है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें क्या आपको सुझाव दे सकूँ। तब बंसाई ने कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें जो जिसने इस प्रॉब्लम को फेस किया हो और वो आज सक्सेसफुल हो, जो हमें बता सके इसका तरीका? तब कोबी ने रिप्लाई करा, यस। सो माई फ्रेंड्स, इसका ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड 2 में। अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आप बताइएगा कि ये जो तरीका है ये आपको अच्छा लगा या नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो नॉलेज है वो सभी के लिए फॉरएवर काम आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। घर पर रहिए, सेफ रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए और चेंज योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।